स्टूडेंट आई एम टीचर ऑफ क्लास थर्ड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स चैप्टर फर्स्ट पार्ट फोर्थ एक्सरसाइज 1.1 1.2। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 1.2 तो है ही नहीं एक्सरसाइज। यस, हम एक्सरसाइज 1.2 को रीड करेंगे, उसके सवाल को सम को सॉल्व करेंगे, बट पहले उससे समझना तो पड़ेगा कि उसके सम करना कैसे हैं। तो हम पहले देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 में है क्या। एक्सरसाइज 1.2 में है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स? एक्सपेंडेड मीन्स फैलाना। हमारे वर्ड्स वोकैबुलरी में भी एक ये वर्ड आया है एक्सपेंडेड, इंग्लिश में या शायद से ईवीएस में आया है, आपने रीड कर चुके हैं तो है ना। एक्सपेंडेड का मीन्स क्या होता है? फैलाना। फैला, फॉर्म मीन्स रूप, फैला हुआ रूप किसका? नंबर्स का। नंबर्स मीन्स संख्याओं का, संख्याओं को फैला देना, कोई भी एक संख्या है उसको फैला कर लिख देना, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए स्टार्ट करेंगे, कैसे देखें जरा कैसे फैलाते हैं नंबर्स को। मैं आपको ये सारी डिजिट्स ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ के बता रही हूँ, डायरेक्ट एक सम सॉल्व करवा रही हूँ कि इसका फैला हुआ रूप कैसे होता है। मान लीजिए ये एक डिजिट, ये हमारी एक नंबर लिखा हुआ है। कौन सा नंबर लिखा है? 6938। 6938 एक नंबर लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली बहुत आसान है। 8 देखिए, खाली 8 अकेला है, इसके आगे कुछ नंबर लिखा है? नहीं लिखा। शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में अगर देखें तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। 8 के आगे कोई नंबर नहीं है तो हमें क्या करना होगा? 8 अकेला लिख देंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 8 ये हमें इसका फैला हुआ इस तरीके से लिखना है। कैसे लिखेंगे? 8 का, 8 के आगे कोई जीरो नहीं है, 8 अकेला। अब हमारा 8 का काम फिनिश हो गया है, 8 को छोड़ देंगे हम। अब हमें क्या लिखना है? 3। 3 के आगे देखेंगे, 3 के आगे क्या बना था? एक नंबर लिखा था, हाँ एक नंबर बना हुआ था, तो हम क्या करेंगे? एक ज़ीरो लगा देंगे, सिंगल ज़ीरो लगा देंगे। फिर हम इसका भी 3 को भी लिख लिया हमने, यहाँ तक हो गए। अब हम आए 9 पर, जैसे ही 9 पर आए, 9 के आगे कितने नंबर लिखे थे? 1 2। कितने नंबर लिखे थे? 1 2। तो मैंने 2 0 लगा दी, 1 2। अब 7 6 पे आ गए, तो 6 को कैसे लिखेंगे? 6 लिख देंगे पहले, और 6 के आगे कितने नंबर लिखे? 1 2 3। तो मैंने 3 0 लगा दी, 1 2 3। ये तो हुआ शॉर्ट तरीका, लेकिन सिस्टमेटिक अगर देखा जाए तो क्या होता है? सिर्फ 8 की 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 को क्या करना है? ये वंस पर आ रहा है, 8 को क्या है? 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस। तो हम 8 लिखेंगे वंस। 3 कैसा है हमारा? 3 टेंस पर है, वंस टेंस, ऐसे ही रीड करते हैं ना, तो 3 को लिख लिया टेंस, तो 3 0 टेंस हो गया। 9 को कैसे रीड करते हैं? 1 10 100, तो 900। 1 10 100 1000, तो 6000। या तो आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए ज़ीरो कैसे लगाने हैं, या फिर आप इसको 1 10 रीड करके भी लिख सकते हैं। जो प्लस लगाकर ज़ीरो के साथ 6000 को अलग करना, 900 को अलग करना, 330 को अलग करना, 8 को अलग करना, ये होता है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। सब आई थिंक सभी को समझ में, ये क्या है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर इसको, अगर हाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा ये मैंने सही किया है या गलत किया है, तो आप कुछ नहीं करो, इसको सिंपली ऐड करके देख लो। अगर आप इसको ऐड करेंगे और आप पर वापस आपको यही आंसर आ जाए, यही की यही नंबर मिल जाए, तो इसका मतलब आपने जो एक्सपेंडेड फॉर्म निकाली है वो एकदम करेक्ट निकाली है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या लिखा है? 3 4 6 5 7। मैंने लिखा 7 के आगे कोई नंबर नहीं है, 7 अकेला। 5 के आगे एक नंबर है, एक ये बना हुआ है, तो मैंने 10 लगा दी, 5 हो गए, 7 हो गए। अब मैं आई 6 पर, 6 पर हम आए, 6 के आगे कितने नंबर बने? 1 2, तो 2 0 बना दिए हमने, 1 2। अब 4 के आगे कितने ज़ीरो है? 1 2 3, तो 3 0 लिख दूंगी। और 3 के आगे लास्ट आता है हमारा 3, तो 3 के आगे 1 2 3 4, तो 4 नंबर, 4 0 लिख दूंगी, 1 2 3 4 हो गया। बस प्लस प्लस लगा के ऐड करना है। इस तरीके से ये क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलिए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म की जो फैला हुआ रूप था उसी की सबसे स्टैंडर्ड, मतलब और अच्छा सुधरा हुआ रूप क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसके? एक क्वेश्चन दिया है आपको, बस केवल कुछ नहीं करना है, जो दिया था उसको उल्टा वापस वहीं की वहीं लिखना है। ये फैला हुआ रूप दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म दिए, आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड बनाना है, यानी कि सबको जोड़कर ऐड करके लिख देना है। कुछ सिंपली, बहुत सिंपल है, 7 का 7, 3 का 3, 4 का 4, 7 का 7, 0 को भूल जाओ, बस सिंपल हो गया आंसर, कुछ नहीं करना है इसमें। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है, इससे रिलेटेड हम जो देखते हैं दो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी अभी नोटबुक में किस तरीके से किया जाता है। चलिए मैंने आपको बताया था, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। पहले सबसे लेंगे हम एक्सपेंडेड फॉर्म, पढ़ी थी हमने फैला हुआ रूप। एक डिजिट दी, एक नंबर दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, फैला कर लिखना है, सिंपल। लास्ट से शुरू करते हैं, मैंने आपको बताया था मैथ्स में जब भी हम रीडिंग करते हैं लास्ट से स्टार्ट करते हैं। एट, एट लिखा मैंने, एट को, एट के आगे कोई नंबर नहीं है, एट अकेला। प्लस फोर, फोर के आगे कितना नंबर है, वन, तो ज़ीरो। लास्ट में नाइन, नाइन के आगे कितने डिजिट हैं, वन और टू, तो क्या बोलेंगे, नाइन पर कितने ज़ीरो लग जाएंगे, टू। फिर आता है हमारा एट, एट के आगे, एट, एट के आगे कितने ज़ीरो लगेंगे, वन टू थ्री, एट लिख लिया, एट थाउजेंड। इस तरीके से ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब लेते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, हमने क्या कर दिया है, एक्सपेंडेड तो बना दिया है, ऑलरेडी बना दिया है, आपको स्टैंडर्ड करना है, यानी कि वापस से छोटा करना है इसको, स्टैंडर्ड करना है, कुछ नहीं करना है। सेवन, फाइव, फोर और सिक्स हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया इसका आंसर। कितना इजी था, कर लेंगे ना आप। चलिए अब इससे रिलेटेड जो भी वर्क मिले आपको उसे आप कंप्लीट कीजिए, कोई भी क्वेरी हो आप कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। थैंक यू।